नमस्कार दोस्तों, इनकम इन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसमें आपको सभी वीडियो आपको इनकम के बारे में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में जितने भी इनकम करना चाहते हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप इंडिया में हैं तो इनकम कर सकते हैं। कौन कौन बहुत सारे आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएगा इनकम के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकम का जरिया हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप CSE डीजी पे चलाते हैं तो आपको यहाँ पर अर्निंग दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा अर्निंग। आप बैंकिंग अगर चलाते हैं तो आप अदर बैंक के द्वारा यहाँ पर डीजी पे में ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे डीजी पे, यहाँ पर देख सकते हैं VS अदर BC एंड अदर कैश आउट पॉइंट्स। यहाँ पर देखिए नेट कमीशन, यहाँ पर डीजी पे में आप देख सकते हैं 1000 में आपको इतना कमीशन है 3.92। यहाँ पर देखिए 3.92 है, 2000 में 7.92 है, 3000 में 11.92 है। जबकि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट बैंक आपको इतना देता है, नीचे देख सकते हैं इतना आपको कमीशन मिलता है गवर्नमेंट बैंक का। अब प्राइवेट बैंक का यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तरह का कमीशन आपको मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डीजी पे में 1000 में आपको इतना कमीशन, 2000 में इतना, 2000 में आपको डीजी पे में 7.92 रुपये आपको कमीशन मिलता है। तो आपको सरकारी बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है वहाँ पर 6.04 रुपये मिलता है और प्राइवेट बैंक में 4.05 रुपये। तो आप जान सकते हैं कि कौन सा BC आपको अच्छा है, CSE डीजी पे आपको अच्छा है, क्योंकि सभी बैंक से अच्छा ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कमीशन आपको देता है। दोस्तों अगर आप डीजी पे चलाते हैं तो चलाते रहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारा इनकम आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे कमीशन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस तरह से नया अपडेट हमने आपको दे दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।